31 दिसंबर 2021 को फरीदाबाद में 22 साल की एक छात्रा की हत्या के मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है, जिसमें आरोपित गार्ड सिंहराज सन की किलर निकला। वह एक नहीं, चार लड़कियों समेत 6 लोगों की हत्याएं कर चुका है। पुलिस की पूछताछ में पता चला है कि इस दरिंदे ने चारों लड़कियों के साथ पहले रेप किया और बाद में उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, सिंहराज 1987 में चाचा और चचेरे भाई की हत्या में भी गिरफ्तार हो चुका है। बीए की छात्रा के मर्डर के बाद खुली उसकी क्राइम कुंडली ने पुलिस को भी चौंका दिया है। दिसंबर 2019 में उसने 14 साल की एक लड़की की हत्या की। एक साल बीतते बीतते अगस्त में 2020 में उसने 12 साल की बच्ची को मौत के घाट उतार दिया। बीते साल मई के महीने में उसने 15 साल की लड़की का कत्ल किया और 31 दिसंबर 2021 को उसने बीए की छात्रा की गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने छात्रा के पिता के दोस्त गार्ड सिंहराज को वजीरपुर मास्टर रोड से गिरफ्तार किया था। पता चला कि कुछ वक्त पहले आरोपित ने युवती के साथ छेड़छाड़ की। इसका राज खुलने के डर से उसने छात्रा की हत्या कर दी। वारदात के बाद उसने खुद ही छात्रा के परिवार को कॉल कर इसके बारे में बताया। बीते 31 दिसंबर को छात्रा घर से नानी के यहाँ जाने के लिए निकली थी और उसकी हत्या कर दी गई। एसीपी क्राइम सुरेंद्र श्योराण ने मामले में जांच के लिए क्राइम ब्रांच डीएलएफ को जिम्मेदारी सौंपी थी। क्राइम ब्रांच डीएलएफ ने शनिवार को कोर्ट में पेश करके आरोपी को 3 दिन के रिमांड पर लिया था। आपको बता दें कि जसाना निवासी 54 वर्षीय सिंहराज एक अस्पताल में गार्ड की नौकरी करता था। पलवल की रहने वाली युवती फिलहाल भुपानी में अपने नाना नानी के पास रह रही थी। आरोपित और युवती के नाना नानी 10 साल से एक दूसरे को जानते थे। परिचित होने के कारण छात्रा सिंहराज पर भरोसा करती थी, लेकिन उसने उसकी ही जान ले ली। बीए की छात्रा के अपहरण के बाद हत्या किए जाने के मामले में पुलिस ने आरोपित सिक्योरिटी गार्ड सिंहराज को गिरफ्तार कर उसे कोर्ट से 3 दिन के रिमांड पर लिया। पूछताछ के दौरान क्राइम ब्रांच डीएलएफ उसे दोबारा से घटनास्थल पर ले गई। उससे हत्या के दिन के सीन को रिक्रिएट कराया गया ताकि उसके द्वारा दिए गए बयानों की सच्चाई का पता लग सके। आरोपित गार्ड से उसके कपड़े और मोबाइल बरामद कर लिए गए हैं। बताया जाता है कि मृतक छात्रा के दलित होने के कारण मामले की जांच एसीपी क्राइम खुद कर रहे हैं। आरोपित के अभी तक दिए बयान में यह सामने आया है कि मृतिका उसे किसी बात को छिपाने के लिए बार बार पैसों की मांग करती थी। आरोपी के मुताबिक उसने मृतिका के साथ कोई ऐसी हरकत की थी जिसके लिए वह उसे बार बार ब्लैकमेल कर रही थी। आरोपित की बातों में कितनी सच्चाई है यह जानने के लिए पुलिस उसकी करीब 1 साल की कॉल डिटेल निकाल रही है। उसके कार्यस्थल पर भी उसके बारे में पूछताछ की जा रही है ताकि उसके चरित्र के बारे में जानकारी जुटाई जा सके। गौरतलब है कि आरोपी ने दिसंबर 2019 में चाय की रेड़ी लगाने वाले 15 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और उसकी गला दबाकर हत्या कर दी थी। इतना ही नहीं, अगस्त 2020 में एक अन्य किशोरी के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी थी। वह अस्पताल में एक कर्मचारी की बहन थी। जून 2021 में एक अन्य किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनहित टाइम्स।